बार अक्टूबर में मैंने सोच लिया है। हाँ, क्या सोच लिया आपने? चाहे रात को 4-4, 5-5 बजे तक जागना पड़े। चलो जी। आदू को स्कूल उठा, चाहे मेरे को सुबह स्कूल भेजने के बाद सोना पड़े। चलो जी। लेकिन इस महीने गुड मॉर्निंग गाइस, नित्या टीवी के एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। और मैं बाहर बैठने जा रही हूँ, इतनी ज्यादा तेज धूप है आज। बाहर कितनी धूप है? बहुत शाली धूप है। अच्छा, स्कूल में फ्रूट कौन सा लेके जाना है आपने? ओहो, पाइन एप्पल। गाइस को हेलो हाई करा आपने? अपनी वो दिखा दो, आज टूटू आदू नहीं देखो। जीवान, जीटू। गाइस कल कह रहे थे आप बहुत क्यूट लग रहा था आपके हेयर स्टाइल, आपको कैसा लगता है? हाँ, जब ऐसे करते हो ना मेरे को बहुत शरारती लगते हो, छोटे से मंकी लगते हो आप। पहले मंकी थे क्या? मट्टू तोता थे आप। पहले आपका नाम मट्टू तोता था और अब क्या नाम है? आदा। अब आदू तोता नाम है आपका। अच्छा, आपको घंटियों की आवाज आ रही है? हैं, घंटियों की आवाज आ रही है? ए, तू कितना शरारती हो गया। अच्छा चलो, मम्मा की पाइनएप्पल कौन कट करेगा? आप थोड़ी सी नौटंकी कम कर सकते हो प्लीज? सुबह 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 थोड़ी सी नौटंकी कम कर सकते हो? मम्मा तो जा रही है मंदिर, मम्मा को तो ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मम्मा मंकी कह रही हूँ, मंदिर जा रही है। आपको चलना है मेरे साथ? वहाँ पे क्या करोगे जाके? स्कूल जाना। स्कूल तो जाना है, पर पहले मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर जाके क्या करते हैं? अच्छा, कैसे लगता है आपको पाइन एप्पल? लगू अब हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? तो कब करोगे जय जय? तो कर लो फिर। हे भगवान जी, दया करना, रक्षा करना, सद्बुद्धि देना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। क्या हो जाता है आपको जय जय करने के बाद? क्या हो गया बेटा? भगवान जी आपको साक्षात दर्शन दे देते हैं क्या? सो गाइस, आदू को स्कूल से लेके आ गए थे और आदू सो गई है, क्योंकि स्कूल से आके जो उसने आज चिड़चिड़ मचाई है ना, बहुत चिड़चिड़ी हो रखी थी यार। और अब सो गई है सीधा, अब उठेगी शाम को। और हम यहाँ पे बैठ के इधर वाले रूम में बैठ के काम कर रहे हैं। और काम करते करते मुझे याद आया यार, मेरे अंदर से चश्मा ला दो, मेरे अंदर से प्लीज चश्मा ला दो, प्लीज मेरा चश्मा ला दो, बहुत आंखों पे स्ट्रेस पड़ रहा है। किसी एक बंदे को भी मेरा चश्मा पसंद नहीं है, पर इसने वीडियो में ध्यान से दिखाया भी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूं, आप लोगों को हमने ऐसे नीचे से दिखाया है। वीडियो में मेरे को भी अच्छे लगे जब तक सब बोलने लगे। मैं अपनी हंसी रोक रहा था, रोकते रोकते हंसी रुकी नहीं मेरे से, मेरे को खांसी आ गई। और मैंने सोचा कि काम वाम खत्म करके जिम हो जाता हूँ, तो जिम से पहले एक फटाफट से क्विक मील ले लेते हैं, जिसमें कि ये नाशपाती खा रहा हूँ, ये है अपना पाइनएप्पल और ये है ब्लैक कॉफी। पता है पाइनएप्पल तेरे को रोस्ट कर लेना चाहिए था, सुबह मैंने खाया ना, उसमें थोड़ा सा ना खट्टा खट्टा सा है। तो दिखाओ जरा मेरे को, दिखाने तो देखो ऐसे दिखाते हैं यार, इतना भी बुरा नहीं लगता। पर तेरे को भी बुरा ही लगता? नहीं, मेरे को तो बुरा नहीं लगा, मुझे तो अच्छा लगा। मैं थोड़ा डिफरेंट है पकड़े, मुझे डिफरेंट भी नहीं लगा एक्चुअल में। कैमरे में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है यार, तो पता नहीं, मतलब सामने से ऐसे मिरर में अभी भी ठीक लग रहा है मतलब मेरे को, क्योंकि मेरे को जैसे ओवरसाइज गॉगल्स वगैरह पे। और पता है कुछ तो कमेंट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मैम चेंज इट, जैसे मैं वहां जाऊंगी और कहूंगी बदल दो तो वो बदल देंगे। बन गया बेटा, अब नहीं बदल सकता, ये पैसे खर्च दिए हमने तो बना भी बहुत महंगा है। ठीक है, हंस तो नहीं मेरे पे, बट ठीक है। पर क्या दिखता है वो चश्मा पहन के? ओहो हो, क्या बढ़िया दिखता है भैया, चश्मा तो नया चाहिए, लेना चाहिए भैया। मेरे हिसाब से तो हर दो महीने में है कहीं ऐसा चेहरा। तुम नहीं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, तुम मेरी बात खुद देख लो ना। डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जब डायरेक्ट ऐसे सनलाइट कह रहा हूं, लाइट पड़ती है ना मेरे मुंह पे, वो मेरे को अपना मुंह ऐसे ग्लोइश लगता है, कैमरा में ऐसे दिखता है। जब लॉक कर रहा है ऐसा लगता है सैलून से करके अपने आप को चेकआउट करते रहते। नाइस। अभी मैं
यहाँ पे आया हूँ, प्लेट रखी है और कैमरा उठाया है, एक नाशपाती काटी थी, उसमें 7 पीस हुए थे, 7 पीसेस, नीचे 4 बचे, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं खाया इसमें से। अरे तो जब तो गैस करोगी बाकी 3 कहाँ गए बताओ, आपको पता है गाइस? नहीं तो तेरे को पता है कहाँ गए बाकी 3 पीस? ना ना नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। एक तो सिलेबस कब खत्म कर रहे बच्चों ये बताओ। इस बार अक्टूबर में मैंने सोच लिया। हाँ क्या सोच लिया आपने? चाहे रात को 4-4, 5-5 बजे तक जागना पड़े। चलो जी, आदू को स्कूल उठा, चाहे मेरे को सुबह स्कूल भेजने के बाद सोना पड़े। चलो जी। लेकिन इस महीने देखो, पहले वो थोड़ा सा था अगस्त का टाइम जब नेहा आई हुई थी, कब गए थे वाराणसी वगैरह, तभी गए थे, तब स्केड्यूल हिला हमारा, मतलब मेरा जो ज्यादा हिला शूट वूट करने वाला, क्योंकि ये तो कर देता है जो इसका इसके इसके लेवल का काम होता है, तब मेरा स्केड्यूल हिला। उसके बाद सितंबर का हमारा समझ लो पूरा मंथ हमारा एडमिशन, कभी जाना कभी यहाँ जाना कभी वहां जाना, बहुत सारी चीजों में उसमें गया। अब अक्टूबर में एक तो दिवाली है, करवा चौथ है, मेरा बर्थडे है, बहुत सारी चीजें हैं, तो अक्टूबर में जो मैं स्केड्यूल आज बना रही हूँ ना, मुझे वो फॉलो करना है, दैट्स इट। ठीक है, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा पूरा पूरा। शुक्रिया, आपकी शुक्रिया की जाए। तो वैसे देखा जाए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी क्लास टेंथ की, क्लास टेंथ के मैथ्स के 4 चैप्टर बचे हैं, साइंस के 4 चैप्टर बचे हैं। कार्बन वाला करा नहीं दिया था बाबू, वो लास्ट वाला करा। क्या बोला तूने मेरे को भी? क्या बोला तूने मेरे को? क्यों बोला बाबू तूने मेरे को? कभी कभी मेरे मुंह से ऐसे प्यारे शब्द भी निकल जाते हैं जब प्रोफेशनली बात कर रहे होते ना। ओ प्रोफेशनली सर, एक्चुअली ना कार्बन एंड कंपाउंड्स जब लास्ट ईयर बच्चों की बोर्ड्स थी ना, तब कराया गया था, तो जो लक्ष्य बैच है ना उसमें कराना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स सर? जब ऐसे प्रोफेशनली बात करें तो आप, मैं सर हूँ, आप मैम हूँ। ओके, जब इस वाले रूम में, जब अंदर वाले रूम में, तो फिर वहाँ पे बाबू सोना, यू कैन डू। जिम से वापस आ गए दोस्तों, और प्रोटीन रूटीन पिया जा चुका है। आज जिम में हमने करी लेग्स, मजा आ गया करके, और ये छोटा बच्चा यहाँ पे तंग कर रहा है हम सबको, कर रहा है ना। और जो छोटे बच्चे की मम्मा है वो लगी हुई है भैया बाल सुखाने में, मेहंदी लगाई थी, उसके बाद अब हेयर वॉश किया आज। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना बेटा, ये अच्छी बात क्यों नहीं है? पूरे घर में आपने 2 दिन स्मेल फैलाई है। ऐसी कुछ नहीं है, इतनी अच्छी खुशबू आती है उसमें, अभी भी आएगी फ्रेग्रेंस। अब तो उससे शैम्पू की आएगी ना, जो तू तेरा बड़ा खुशबू वाला शैम्पू है। वैसे एक बात है, ऐसे शैम्पू बड़े मस्त होते हैं, मैं कभी कभी ना, कभी कभी ना ऐसे, एक तो वो ना महंगे होते हैं थोड़े से, तो मैं ना कभी कभी ऐसे इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो मेरे बाल भी, वैसे मेरे बाल तो खैर वो है, जैसे बोलते हैं लोखंडी टचवुड, जैसे वो होते हैं ना, कई होते हैं घर वाले प्लांट, जिनको ऐसे अच्छा फिल्टर्ड वाटर और खाद वगैरह सब अच्छी मिलती है। एक होता पीपल का पेड़, 2 ईंटों के बीच में से उग रहा होता है, मेरे बाल इज लाइक दैट, तो इतना कुछ की मेरे को जरूरत नहीं होती, बट स्टिल हम कभी कभी यूज कर लेते हैं मैडम के महंगे महंगे शैम्पू, फिर मैडम को खुशबू से पता लग जाता है। जैसे ही मैं नहा के बाहर आऊंगा ना, उसके बाद वॉशरूम से, तूने मेरा शैम्पू इस्तेमाल किया है? मैंने कहा हाँ किया है। उसके बाद ना अभी थोड़े दिन पहले नया मंगवाया शैम्पू, खोल के अंदर रखा, पता कह रही मैंने ना नया शैम्पू मंगाया है ट्राई करने के लिए, तो उस पर जरा अपनी दया दृष्टि कम दिखाना। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? मैं क्या कहना चाहूंगी, मेरे को दिक्कत नहीं है। हाँ? आप एक्सेप्ट करो कि ये शैम्पू अच्छा है, आपके लिए भी मंगवा दूंगी। अरे भाई हमें नहीं चाहिए शैम्पू, और उसके बाद दूसरे का शैम्पू यूज करते रहे। वो तो कभी कभी सिर्फ खुशबू के लिए भाई, खुशबू के लिए परफ्यूम डाल लिया, अगर बालों में परफ्यूम डाल लो भर ले। चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। ठीक है चलो मिलते हैं फिर। ठीक है, कैसी बातें करती है तू? मम्मा कह रही है कि परफ्यूम को सिर पे लगा लो, परफ्यूम को सिर पे लगाने की चीज होती है, आप बताओ। यहाँ पे लगाते हैं ना, सिर पे तो नहीं लगाते ना, तो फिर मम्मा क्यों कह रही है? मम्मा सिर पे नहीं लगाते। ओके बेबी, मम्मा कैसी बनी हुई है? मम्मा कैसी बनी हुई है? क्या बनी हुई है? छोटी बेबी बनी हुई है। कितने साल की बेबी है ये? 20 साल की बेबी होती है। कमाल हो गया, तो कमाल हो गया, 20 साल की बेटी है। बेटी है कि बेबी है? अच्छा कौन सी क्लास में है ये बेबी? ये बेटी है न्यू क्लास में। कौन सी न्यू क्लास में? क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है? रोम स्टैंड। मैं पढ़ के बता। अच्छा ठीक है, पढ़ के बता देना। ओके
टैब कैसे उठा रहे हो इस चक्कर में? अरे यार टैब पे। नहीं नहीं टैब रख दो, टैब टाइम आपका खत्म हो गया। तू प्लीज फिर क्या कर रहे हो यार? आप यार यार क्या बोल रहे हो? कंट्रोल योर लैंग्वेज, आई एम नॉट योर यार। सो गाइस शूट हो गया कंप्लीट। और आद्य शर्मा, आद्य शर्मा आज आपने क्या बोला था, आप किसके साथ रोटी खाओगे? आलू के साथ। ओ आलू तो मैंने नहीं बनाया, गुलाब जामुन खा ला ये गुलाब जामुन। सुनो आलू तो नहीं बनाया मैंने। ओ फिर दाल के साथ खाऊंगी। दाल के साथ खा लोगे? अरे बुद्धू आलू ही तो बनाई है मैंने। कितना खाला है तू, कैसा सा है इतना प्यारा सा। मेरे को ना लगा कि ऐसे रिएक्ट करेगी कि नहीं, मेरे को अभी दोपहर को पीछे पड़ गई थी मम्मा मैं आलू के साथ रोटी खाऊंगी, तो मुझे लगा जिद करी कि कोई बात नहीं दाल के साथ खा लूंगी। बच्चे बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो बस अब हम डिनर विनर कर रहे हैं एंड डिनर कर लें फिर आप लोगों को मिलते हैं। मुझे लगा आलू थोड़ा सा नाटक वाटक करेगी, बट शी इज लाइक ओके चिल नो प्रॉब्लम बडी, नहीं है नहीं है आलू तो दाल खा लेंगे। सीख रहे हो बच्चे से कुछ? सीखा आपने मेरी लड़की कितनी समझदार है? क्या सीखना? मैंने उसको कहा, उसने दोपहर को कह रही थी ना आलू के साथ खानी है, मैंने उसको कहा था रात को खा लेना आलू के साथ। हाँ। तो मैंने अभी इसको बोला कि आलू नहीं है, आलू नहीं बनाए मैंने, दाल बनाई, तो प्यार से कह रही है तो मैं दाल के साथ खा लूंगी। दोनों ही खा लेती है, वो दाल भी खा लेती है आलू भी खा लेती है। पर कोई ऐसी चीज बोल के देख जो वो नहीं खाती, वो सब खाती है। कोई एक ऐसी चीज़ नॉट इवन अ सिंगल सब्जी जो आदू ना खाती है, सिर्फ उसमें मिर्च नहीं होनी चाहिए, बनती जा रहा है उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब खाती है वो। कौन सी सब्जी, आप कौन सी सब्जी नहीं खाते? देख लिया, सिर्फ मिर्च वाला नहीं खाती वो। पता नहीं अभी दिखाऊंगा वैसे। नहीं सब खाती है आदू को, जो भी दे अभी ये सब खाती है। इवन कोई सब्जी अगर हमें भी स्वाद नहीं लग रहा तो हमें अच्छी है। तो गाइस फिर से आज वो बड़े दिनों बाद खुश नसीबी वाला दिन आ गया है जब बेड पे बिछी है न्यू बेडशीट, टाडा, और हमारे कुशन के भी न्यू कवर्स आ गए हैं। और अब कुछ दिन तक इतना मजा आता है ना गु, बेडशीट कैसी लगती है आपको जब न्यू बिछाते हैं? तो अच्छी तो लगती है, फिर आप थोड़े दिन बाद खराब कर देते हो यार। क्यों यार? मैं केस बना रही हूं, मेरे को तंग मत करो। क्या कर रहे हो आप? मैं केस बना रही हूं। आपको तंग ना करो, आप बिजी हो क्या? केक्स बना रहे हो आप? हाँ। पर मेरे को एक बात पूछनी थी, आप ये बात पोलाइटली भी तो बोल सकते थे। हाँ। कि मम्मा प्लीज मैं केक्स बना लूं। प्लीज मैं केक्स बना लूं। हाँ ऐसे अच्छा लगता है जब हम बड़ों को ऐसे बोलते हैं ना, मुझे तंग मत करो, मेरे से बात नहीं करो, तो थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है, और अग्गू तो कोई ऐसा काम करती नहीं ना कि कोई हर्ट हो, इसलिए हमेशा पोलाइटली बोलते हैं। कैसे बोलते हैं पोलाइटली? पोलाइटली। हाँ पोलाइटली कैसे बोलते हैं? देखो फिर गुस्सा, आप इतने प्यारे बेबी हो, प्यारे बेबीज गुस्सा नहीं करते। ठीक है, इट्स ओके, आप फिर से कर सकते हो अलग। देखो कितना प्यारा बनाया आपने, देखो अग्गू गाइस केक बना रही है। ये अग्गू के केक्स है, ये ब्यूटीफुल केक्स है, चमकीले केक्स है। ये ब्यूटीफुल चमकीले केक्स है। आपका ये जो डिक्शनरी है कैसे अपडेट होती रहती है, कहाँ कहाँ से वर्ड सीखते रहते हो आप। सो गाइस अब हो गया है सोने का टाइम, वैसे तो कल आदू की छुट्टी है बट हम टाइम से लेट गए हैं। क्या हो गया? मैंने लायन राजा की उसकी आइस पात्र के कह रही, मैंने लायन राजा की आइस बंद कर दी। क्या उत्काम करते रहते हो। सो अब हो गया आदू का बेड टाइम स्टोरी। देखो आदू के लिए हमने बुक्स मंगवाई है, मैंने बताया था ना आदू कुछ गुड वर्क करते तो हम इसको बुक गिफ्ट करते हैं। सो एक स्टोरी बुक ये है और एक स्टोरी बुक आदू की ये है, दिस वन, एंड एक ये है। ये मुझे पढ़ के इसको सुनानी पड़ती है, बाकी सारे तो ये इसको मैं हैंड टू हैंड सुनाती रहती हूँ। पर आदू ने क्या प्रॉमिस किया था, स्टोरी जब भी स्टार्ट करेंगे, वैसे तो भी रोज रात को मुझे सुनाती है बट उस टाइम हम ब्लॉग नहीं कर रहे होते। सो आदू आपने क्या प्रॉमिस किया था, मम्मा स्टोरी कब सुनाएगी, जब आदू क्या सुनाएगी? गीता सार। तो आप सुनाइए अब गीता सार। यार मम्मा जल्दी, नहीं तो फिर स्टोरी मैं तो बंद कर रही हूँ, फिर मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। नहीं आप गीता सार सुनाओ प्लीज, मम्मा स्टोरी सुनाएगी। 1 2 3 स्टार्ट। जो वे चिंता करते हो किसे व्रत डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ वह भी अच्छा ही हुआ। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, विषय की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है,
तुम भूत का पछताव मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। तुम क्या लाए थे जो खो गया, हमने क्या पैदा किया जिसका विनाश हो गया। कई भटन के संसार का नियम है, जिससे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। गुड जॉब डन, गुड जॉब डन। अच्छा ये तो मैं आपकी तारीफ कर रही थी बुद्धू। सो अब गाइस को कर देते हैं भाई। अ गुड जॉब डन, अ गुड जॉब डन, अ गुड जॉब डन। वेरी गुड। सो गाइस को भाई कर देते हैं, फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, फिर हम निन्नी करेंगे। सो नोनो अभी बाहर काम कर रहा है आज, बेचारा हमारा बच्चा, हमारा तो थर्ड व्हील हमारा वो नहीं कर पाएगा, व्लॉग एंड नहीं कर पाएगा। तो आदू और मैं कर लेते हैं। आदू कैसे व्लॉग एंड करते हैं? मैं तेरा निचा नहीं गा। अच्छा आज आज गाइस को वो बोल दो, व्लॉग देखने के लिए आपकी शुक्रिया। अच्छा जो गाइस होते हैं वो शशि, जो गाइस होते हैं वो जंगल के वो लायन होते हैं। ओह गाइस आप तो लायन हो। अब आपको आज पता है क्या करना है कमेंट सेक्शन में? आज गाइस को करना है रो। कैसे करना है गाइस को? क्वैक कर रहे हैं। कैसे करेंगे गाइस? बस हो गए बेटा, हो गए। अच्छा आज गाइस को एक बार बोल दो, व्लॉग देखने के लिए आपकी शुक्रिया। ठीक है मम्मा पहले बोलने दो ना। अच्छा बोल लो ना। जो गाइस होते हैं वो हिरन होते हैं। चलो गाइस शेर बने थे अच्छा भला, फिर हिरन बन गए हो। सो मिलेंगे गाइस आप लोगों से कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बस बेटा बस।